आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं देश की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी और पटेल जैसे नेताओं की आज भारत को जरूरत है। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राहुल झम्बाल मौजूद रहे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री जिनको हम लौह महिला के नाम से जानते थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का आज यहाँ पर जिसे कहते हैं कि शहादत दिवस हम लोग यहाँ पर सभी कांग्रेसजन मना रहे हैं, और साथ में हमारे देश के पहले गृह मंत्री हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उनका जन्म दिवस है आज, हम भी उसको भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। सभी कांग्रेसजन के अंदर एक जिसे कहते हैं उत्साह है, और हम सब इनको याद कर रहे हैं कि हमारे ऐसी धरोहर हैं देश की, और जिन्होंने इस भारत देश के लिए अपने बलिदान दिया, और इस भारत देश की आयरन लेडी और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, क्योंकि ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम है तो सारे कांग्रेसजन उन्हें याद कर रहे हैं, और इसलिए भी आज के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज भारत यदि कहीं खड़ा है तो उसकी बुनियाद रखने का काम आज से एक लंबे समय पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और पटेल जी के नेतृत्व में इस देश में जो काम हुआ